बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली टूटी फ्रूटी डिलाइट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, टूटी फ्रूटी डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैकेट क्रीम का लिया है, एक पैकेट मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का लिया था। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का पाउडर उस पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर मैंने उसको फ्रीजर में जमने के लिए रख दिया। अब हमारी जेली जो है वो रेडी है। 1 टिन हमने ली है कॉकटेल का, 1 कप हमने लिया है कंडेंस मिल्क का, 1 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम और 1 ही चम्मच हमने लिया है बारीक कटे हुए पिस्ता। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रीम में डालेंगे कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जेली को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम ये कॉकटेल फैला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉकटेल को हमने अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे चेरी। अब हम थोड़े से बादाम गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़े से पिस्ता। फ्रेंड्स, अब हमारी मज़ेदार टूटी फ्रूटी डिलाइट रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।